हेलो दोस्तों, बरखाजन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बची हुई सब्जियों से कुछ नया नाश्ता बनाएंगे। मेरे पास बची है गोभी आलू। मेरे पास में थोड़े से गोभी आलू बच गए हैं, तो मैं अब आटे के मोमोज बनाने वाली हूँ गोभी आलू से। ये मैंने आटा लगा दिया है, बच्चे वैसे तो खाना खाते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं गोभी आलू के ही मोमोज बना के आटे के और फिर अपने बच्चे को खिलाऊंगी, तो वो आराम से खा लेगा। तो मैं काम करती हूँ, पहले गोभी आलू को छोटे छोटे काट लेती हूँ, आटा मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ मोमोज कैसे बनेंगे। तो गाइस, मैंने आटे की छोटी सी गोली ले ली है, अब हम इसको पहले बेल लेंगे। ये मैंने इसको बेल लिया है, अब मैं इसको फिल कर लेती हूँ गोभी आलू से। मैंने भर लिया है, अब जैसे हम आलू के पराठे को ये उठा करके ऐसे गोल घुमाते हैं वैसे घुमा देंगे। देखिए गाइस, ये मोमोज के जैसे मैंने इसको ऊपर से गोल घुमा दिया है, इसको फिल करके ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, मैंने एक भगोनी ली है, इसमें मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब ये कटोरा लिया है, इस कटोरे को मैं इसके ऊपर रख दूँगी ऐसे। और इसको रखने के बाद ये जो मैंने मोमोज की तरह फिल किया है आटे में गोभी आलू को, इसको इसके ऊपर रख दूँगी ऐसे। हम इसको जितने भी बना रहे हैं इसमें भर देंगे। गाइस, मैंने इसमें चार जो है वो मोमोज डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं मोमोज ऐसे बना करके आटे के बनाए हैं। मैदा क्या है ना, पेट में गच करता है, बच्चे अगर खाएंगे तो बच्चों के पेट में दिक्कत देगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिए हैं। अब मैं इसको प्लेट से ढक देती हूँ और इन्हें होने देती हूँ, फिर हम 5 मिनट में देखते हैं, इनको पलट देंगे 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, आटे के मोमोज भी बन के तैयार हैं। ये मोमोज देखिए कितना अच्छा बना है, ऐसे ये मोमोज बना दिए हैं। हल्का से क्या गोभी आलू का था, मोटे थे तो थोड़े से खुल गए हैं। बाकी मोमोज बहुत अच्छे बनते हैं आटे के भी, और ये हेल्दी भी होता है। आप चाहे तो स्टीम मोमोज भी खा सकते हैं आटे के, और चाहे तो आप इन्हें फ्राइड करके भी खा सकते हैं हरी चटनी मीठी सॉस के साथ में।